दोस्तों हम सभी ने यूं तो कई हॉन्टेड जगहों के बारे में सुना होगा। इसमें से कई हॉन्टेड जगह तो आप जा भी चुके होंगे। लोगों को डर से रूबरू कराने के लिए दुनिया भर की कई जगहों पर तो हॉन्टेड हाउस भी बनाए गए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे हॉन्टेड हाउस के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बिना डरे 10 घंटे बिताने वाले शख्स को 14 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। दोस्तों आप जरूर हैरान हो गए होंगे सुन के, और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल की अभी तक कोई भी शख्स यहां पर पूरे 10 घंटे नहीं बिता सका। जी हाँ, यह हॉन्टेड हाउस दोस्तों टेनेसी के समर टाउन में स्थित है और इसका नाम मेक मी मैनर है। मेक मी मैनर के मालिक का दावा है कि इसके अंदर मौजूद भूतिया किरदार निभाने वाले कलाकार इतने खतरनाक दिखते हैं कि यहाँ 10 घंटा बिताना बहुत मुश्किल होता है। उनका कहना है कि यदि कोई सभी परेशानियों को पार पाकर वहाँ 10 घंटे रह जाता है तो उसे 14 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी रखी गई हैं। मेक मी माइनर के अंदर जाने के लिए आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको वहां मेडिकल प्रमाण पत्र भी देना होगा कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। अंदर जाने के लिए आपको कुल 40 पेज के करार पर एक साइन करना होगा, जिसके बाद आप तरह तरह के खतरनाक लोगों और बहुत ही खतरनाक आवाज़ों से रूबरू होने का आपको मौका मिलेगा। हालांकि अंदर प्रवेश करने से पहले आपको अंदर के माहौल के बारे में जानकारी भी दी जाती है। दोस्तों इस घर को ऐसा हॉन्टेड बनाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च किया गया है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। घर में कदम रखते ही उन्हें टॉर्चर किया जाता है। तरह तरह की यातनाएं आपको सहनी पड़ती हैं। लोगों को जानवरों से कटवाया जाता है। लोगों को बेल्ट से बांध करके चूहा, सांप और कई जहरीले जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है। यही नहीं, बुरी तरह से पीटा जाता है। खतरनाक मकड़ियां भी वहां मौजूद रहती हैं। चूहे और सांपों के बीच छोड़ दिया जाता है। दोस्तों लोग इतना सब कुछ खुद करवाने आते हैं, वे इस दर्द के लिए खुद ही पैसा भी देते हैं। यहाँ दोस्तों इंसान को एक बहुत से छोटे डब्बे में बंद कर देते हैं। बताया जाता है कि 2008 में एक शख्स को घर के अंदर हार्ट अटैक भी आ गया था, हालांकि उसकी जान बच गई थी। आखिर वो खुद को टॉर्चर क्यों करवाते हैं, क्यों इतना दर्द सहते हैं? इस सवाल पर दोस्तों ज्यादातर लोगों का जवाब यही था कि वे अपने मनोवैज्ञानिक स्तर की जांच करने के लिए ऐसा करवाते हैं। लोगों का कहना था कि इस बात की जांच करना चाहते हैं कि वे बुरे से बुरे हालात में रह सकते हैं या नहीं। वे अपनी क्षमताओं को जांचने के लिए इस टॉर्चर हाउस में आते। दोस्तों क्या आप हिम्मत रखते हैं इस खतरनाक हॉन्टेड हाउस में आने की? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं और ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर जरूर करें। आप लोग का शुक्रिया।